फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉर्नर और मैं हूं शिखा गुप्ता। और जैसा कि हमें पता है, राजस्थान अब 50 जिलों का हो गया है और उन जिलों से संबंधित जो आगामी एग्जाम्स हैं उनमें जो प्रश्न बन सकते हैं उनकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में करनी थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करें राजस्थान के संभाग, तो राजस्थान में वर्तमान में 10 संभाग हो चुके हैं। पहले 7 संभाग थे, 4 जून 2005 को आखिरी संभाग बना था भरतपुर संभाग, 7 अगस्त 2023 को अगर हम देखें 10 संभाग राजस्थान में बन चुके हैं। तो संभागों के मामले में भी कुछ चीजों में परिवर्तन हुआ है, उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। संभागों से अक्सर हमने देखा है एग्जाम में प्रश्न आते हैं, एक तो डेट आपको याद रखनी है, डेट जो है इंपॉर्टेंट है, कितनी है, 7 अगस्त 2023। 7 अगस्त 2023 से राजस्थान में 10 संभाग हो गए हैं, ठीक है। अब ये जो 10 संभाग बने हैं तो 7 तो पहले वाले हैं, थोड़ा बहुत जिलों में परिवर्तन है वो भी हम चर्चा कर लेंगे। 3 नए संभाग कौन कौन से हैं, तो 3 नए संभाग है बांसवाड़ा, है ना, उदयपुर से बांसवाड़ा संभाग बनाया गया है और राजस्थान का अब सबसे छोटा संभाग हो गया है क्षेत्रफल के अनुसार बांसवाड़ा। पहले भरतपुर था सबसे छोटा संभाग, अब वर्तमान में सबसे छोटा संभाग हो गया है बांसवाड़ा। कुछ ही प्रश्नों की चर्चा हम लिखकर कर लेते हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न, ठीक है, कब से नए संभाग बने हैं, 7 अगस्त 2023, ठीक है, कब कितने संभाग हो गए, 10 संभाग। इससे पहले जो आखिरी संभाग बना था वो बना था 4 जून 2005 को, कौन सा संभाग था, भरतपुर, और भरतपुर के बनने के साथ ही राजस्थान में 7 संभाग हो गए थे। पुराने संभागों वाले प्रश्न आपको राजस्थान भूगोल के प्लेलिस्ट फोल्डर में मिल जाएंगे, वहां पे पुराने सारे वीडियो हैं, तो पुराने अगर डेटा देखना है वो तो वहां अवेलेबल ही है। अभी हम नए भूगोल की बात कर रहे हैं, जो संभाग बने हैं इनमें 3 नए संभाग बने हैं बांसवाड़ा, ठीक है, जो वर्तमान में राजस्थान का सबसे छोटा संभाग बन गया है। इसके अलावा पाली, जिसे कि जोधपुर संभाग से अलग करके बनाया है, और तीसरा है सीकर, जिसे कि बीकानेर और जयपुर संभाग से अलग करके बनाया है। तो अब 3 नए संभाग और बन गए हैं, बांसवाड़ा, पाली और सीकर, यानी कुल 10 संभाग है वर्तमान में। और ये 10 संभाग कौन कौन से हो गए, पश्चिमतम संभाग कौन सा हो गया है, जोधपुर हो गया है पश्चिमतम संभाग, जो कि पहले भी जोधपुर ही था, लेकिन इनमें कुछ 2 नए जिले बन गए हैं और 2 नए जिले जो है इससे बाहर हो गए हैं। पहले भी जोधपुर संभाग में 6 जिले थे, अभी भी जोधपुर संभाग में 6 ही जिले हैं। पूर्वतम संभाग अभी भी कौन सा है, भरतपुर, हालांकि पहले भरतपुर सबसे छोटा संभाग था, लेकिन अभी जो है सबसे छोटा संभाग कौन सा हो गया है, बांसवाड़ा हो गया है। अगर हम बात करें उत्तरतम संभाग, अभी भी पहले की तरह कौन सा है, बीकानेर है, हालांकि बीकानेर में भी अगर पहले बात करें तो 4 जिले थे और 1 जिला ऐड हो गया है और पुराना 1 जिला बाहर हो गया है। अब इसमें हमने ऐड कर दिया है अनूपगढ़ को और हमने यहां से बाहर कर दिया है चूरू को। पहले चूरू बीकानेर संभाग में होता था और सीकर झुंझुनू जो है वो किस संभाग में होते थे, जयपुर संभाग में होते थे, लेकिन अब हमने सीकर झुंझुनू और चूरू इन तीनों को एक संभाग सीकर में डाल दिया है, ठीक है। और हम बात करें बीकानेर संभाग, तो इसमें हमने अनूपगढ़ को ऐड कर दिया है उत्तरी संभाग। और दक्षिणतम संभाग, जहां पहले उदयपुर था, अब हो गया है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा संभाग उदयपुर से अलग करके बनाया है, तो अब दक्षिणतम संभाग बांसवाड़ा हो गया है, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार बात करें तो सबसे बड़ा संभाग डिवीजन सबसे बड़ा संभाग, लार्जेस्ट डिवीजन जो है वो जोधपुर ही है पहले की तरह, ठीक है। और हम बात करें सबसे छोटा संभाग, सबसे छोटा संभाग जो है वो अब हो गया है बांसवाड़ा, ठीक है। सबसे ज्यादा संभागों में हम जिलों की बात करें, उससे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पहले संभाग में कौन कौन से जिले ऐड हैं, तो जरा जल्दी से हम इस मैप में देखकर इसको समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं पश्चिमतम से लेकर आगे चलते हैं, तो सबसे पहले पश्चिमतम संभाग की बात करते हैं जो की है जोधपुर संभाग जो है इसके अंदर वर्तमान में 6 जिले हैं, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण जो कि जोधपुर जिले से बनाए गए हैं। इसके अलावा हम इसमें बात करें तो बाड़मेर है पहले की तरह ही, और बाड़मेर से अलग होके बन गया है बालोतरा, जोधपुर से अलग होके बन गया है फलौदी, तो ये है
तो जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी और जैसलमेर जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। तो जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं। कौन कौन से सबसे बड़ा जिला? जैसलमेर, उसके बगल में फलौदी जो कि किससे अलग होके बना है? जोधपुर से अलग होके बना है। जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, बालोदरा और बाड़मेर, ये 6 जिले किसमें है? जोधपुर संभाग के अंतर्गत है, जो राजस्थान का पश्चिमतम संभाग है। इसके अलावा राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग भी है। उत्तरतम संभाग की बात कर लेते हैं जो कि है बीकानेर से और श्रीगंगानगर से बना अनूपगढ़, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, ये 4 जिले किसमें है? बीकानेर संभाग के अंदर है। बीकानेर संभाग में पहले चूरू भी होता था, लेकिन चूरू को अब अलग कर दिया है, सीकर संभाग में डाल दिया है, जो कि नया संभाग है। सीकर संभाग की भी यही चर्चा कर लेते हैं। सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीम का थाना, ये नीम का थाना जो है सीकर जिले से अलग करके बनाया गया है और ये सीकर संभाग के अंतर्गत शामिल है। तो सीकर में नीम का थाना, झुंझुनू और चूरू, ये 4 जिले शामिल है। नीचे चलते हैं, नया संभाग है पाली। पाली संभाग के अंदर जोधपुर संभाग के जिले शामिल कर लिए गए हैं, सिरोही और जालौर। पाली, जालौर, सिरोही और जालौर से बना सांचौर, ये 4 जिले जो है पाली संभाग के अंतर्गत है। दक्षिणतम संभाग की ओर चलते हैं, बांसवाड़ा संभाग में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ यानी वागड़ का क्षेत्र है, वागड़ रीजन है और इसके अंदर सिर्फ 3 ही जिले हैं। सबसे कम जिलों वाला संभाग है बांसवाड़ा, ठीक है। फिर हम चले उदयपुर। अब उदयपुर संभाग में उदयपुर, सलूंबर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा शामिल है। भीलवाड़ा जो है पहले अजमेर संभाग का हिस्सा था और अजमेर संभाग की अंतर राज्य सीमा बनती थी सिर्फ 16 किलोमीटर, जो कि भीलवाड़ा बनाता था मध्य प्रदेश से। अब भीलवाड़ा किसका हिस्सा बन गया है? भीलवाड़ा उदयपुर संभाग का हिस्सा बना दिया गया है। तो अब अजमेर संभाग की कोई अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनती। क्वेश्चन आता था राजस्थान में पहले कि राजस्थान में ऐसे कौन कौन से संभाग हैं जिनकी कोई अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनती, तो राजस्थान में अब एक ही ऐसा संभाग है जिसकी अंतरराज्यीय सीमा नहीं है, वो है अजमेर। बाकी 9 संभागों की अंतरराज्यीय सीमा बनती है। तो ध्यान रखिए, अजमेर की अब कोई अंतरराज्यीय सीमा नहीं है, आंतरिक संभाग हो गया पूरी तरह से। यहीं पर अजमेर संभाग की भी बात कर लेते हैं। अजमेर संभाग में पहले की तरह ही नागौर शामिल है, नागौर से अलग होकर बना डीडवाना, कुचामन शामिल है, व्यापार और केकड़ी शामिल है और शाहपुरा शामिल है। भीलवाड़ा को हटा दिया गया है, लेकिन भीलवाड़ा का जो हिस्सा बना है शाहपुरा, तो शाहपुरा जो है अजमेर संभाग के अंदर है। अजमेर संभाग के अंदर कुल अगर हम देखें तो 7 जिले शामिल है, टोंक भी शामिल है। टोंक पहले भी शामिल था अजमेर में, अभी भी अजमेर संभाग के अंतर्गत शामिल है। तो कौन कौन से जिले होंगे? अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, टोंक और शाहपुरा, कुल 7 जिले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 जिले जो है किसके अंदर है? अजमेर संभाग के अंतर्गत है। राजस्थान में 2 ऐसे संभाग हो गए हैं जिनमें 7 जिले हैं। पहले सबसे ज्यादा संभाग होते थे 6 जिलों वाले, अभी जो है राजस्थान में 7 जिलों वाले 2 संभाग है, एक तो है अजमेर, दूसरा है जयपुर। लगे हाँ जयपुर डिस्कस कर लेते हैं। जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, ऊपर चले कोटपुतली, बहरोड, खैरतर, तिजारा, अलवर और दौसा, ये 7 जिले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 जिले जो है जयपुर संभाग में है। जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू जो जयपुर से अलग होके बना है, दौसा, अलवर, अलवर से अलग होके बने खैरतर, तिजारा और अलवर जयपुर से बने कोटपुतली, बहरोड, ये जयपुर संभाग के अंतर्गत है। तो जयपुर संभाग और अजमेर संभाग, इन 2 संभागों में अब कितने जिले हैं? 6 जिले हैं, 7 जिले हैं, सबसे ज्यादा जिलों वाले संभाग है ये जयपुर और अजमेर। इसके अलावा आगे चलते हैं भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग राजस्थान का पूर्वतम संभाग है, सबसे उसके पहले जो है सबसे छोटा संभाग हुआ करता था, इसके अलावा सबसे नवीनतम संभाग होता था, लेकिन अभी जो है 3 नए संभाग बन गए, तो नवीनतम वो है और सबसे छोटा संभाग बांसवाड़ा हो गया है। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर से बना हुआ डीग, धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, ठीक है, इसके अंदर ये जिले शामिल हो गए। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो भरतपुर संभाग के अंतर्गत हम देखिए यहाँ पे कितने जिले हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जिले हो गए, ठीक है। दीग, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, गंगापुर सिटी, करौली, सवाई माधोपुर, ठीक है। भरतपुर संभाग जो है राजस्थान का पूर्वतम संभाग है और इसके अंदर अगर हम देखिए 6 जिले हैं, ठीक है, 6 जिले। तो 2 संभाग 6 जिलों वाले हैं, जोधपुर और भरतपुर संभाग, जिसके अंदर 6-6 जिले हैं। पूर्वतम और पश्चिमतम संभाग 6-6 जिलों वाले हैं, जोधपुर और भरतपुर। भरतपुर से बने हुआ जिला डी, भरतपुर से बना हुआ गंगापुर सिटी और करौली, धौलपुर, पहले भी इसके अंदर ये आते थे भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, अब डी भी बन गया है और गंगापुर सिटी, तो ये दोनों भी इसी संभाग में इसके हिस्से हैं। कब बना था भरतपुर संभाग? 4 जून 2005 को बना था। और आखिरी संभाग कोटा संभाग,
कोटा संभाग पहले की तरह ही चार जिलों वाला है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इसके अंतर्गत चार जिले शामिल है। तो कुल एक बार रिविजन कर लेते हैं एक एक संभाग का, एक एक संभाग की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जोधपुर संभाग की। जोधपुर संभाग में है छह जिले, ठीक है, छह जिले कौन कौन से, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, ठीक है, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, और इसके अलावा इसके अंदर जोधपुर संभाग के अंदर शामिल है एक जिला फलौदी जो कि जोधपुर से बना है, ठीक है, छह जिले हो गए, छह जिले। इसके बाद हम बात करें अगला संभाग जो कि शामिल है, जिसे हम कहते हैं मान लो पूर्वोत्तर संभाग, भरतपुर की ओर चल लेते हैं। भरतपुर में भी छह जिले हैं, छह जिले कौन कौन से हैं, छह जिले पहले की तरह ही भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये तो जिले हो गए। और इनसे जो नए जिले बने हैं दो, दीग और इसके अलावा गंगापुर से, ये छह जिले जो है इसके अंतर्गत आ गए हैं, छह जिले आ गए हैं भरतपुर संभाग के अंतर्गत। अगले संभाग की हम बात करें, जयपुर की बात कर लेते हैं, जयपुर संभाग, जयपुर संभाग में सात जिले हैं, कौन कौन से हैं, जयपुर और जयपुर ग्रामीण, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, इसके अलावा हम बात करें जयपुर से बना दूदू, दौसा, अलवर और दो नए जिले खैरसा सिजारा और कोटपुतली बहरो, ये सात जिले हो गए हैं जिसमें जयपुर में, जयपुर सात जिलों वाला अधिकतम जिलों वाला संभाग हो गया है। इसके अलावा हम बात करें ऐसे ही सात जिलों वाला संभाग है अगला, जिसे कि हम बोल सकते हैं अजमेर, अजमेर संभाग, अजमेर संभाग में भी सात जिले हैं, कौन कौन से हैं, अजमेर खुद, अजमेर से बने ब्यावर, केकड़ी, हालांकि ब्यावर ऐसा जिला है जिसके अंदर चार जिलों का जो है समागम किया गया है, पाली, राजसमंद, अजमेर और भीलवाड़ा, ब्यावर हो गया, केकड़ी, इसके अलावा अजमेर संभाग में नागौर, नागौर से बना डीडवाना, कुचामन, पहले की तरह ही टोंक और भीलवाड़ा को हटा के भीलवाड़ा का हिस्सा इसके अंदर शाहपुरा, ये सात जिले शामिल हैं किसके अंदर, अजमेर संभाग के अंतर्गत। फिर हम चले सबसे कम जिलों वाला संभाग, सबसे कम जिलों वाला संभाग है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा संभाग, तीन ही जिले हैं, है ना, पहला डूंगरपुर यानी पूरा बागड़ आ गया आपका, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये तीन जिलों वाला संभाग है, राजस्थान का दक्षिणतम संभाग है। इसके अलावा हम बात करें बाकी के जितने भी संभाग है उन सभी संभागों में जो है चार जिले हैं, कौन कौन से हैं, चलो बात कर लेते हैं, बीकानेर, बीकानेर संभाग जो राजस्थान का उत्तरतम संभाग है, इसके अंदर खुद बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, अब इसके अंदर से चूरू निकाल दिया है, ठीक है। फिर हम बात कर ले यहीं पर सीकर संभाग की, सीकर संभाग में सीकर यानी शेखावाटी एरिया आ गया पूरा, सीकर, झुंझुनू, चूरू और इसके अलावा नीम का थाना, ये चार हो गए किसके अंदर, सीकर के अंदर। फिर हम बात करें इसके अलावा और कौन सा संभाग रह गया है हमारा, उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग पांच जिलों वाला है, उदयपुर संभाग में उदयपुर पांच जिले हैं इसके अंदर, उदयपुर, उदयपुर से अलग होके बना सलूंगर, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ जिले में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके अलावा हम देखें भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जो पहले अजमेर संभाग में आता था अब किस में आ रहा है, उदयपुर संभाग में आ रहा है, और इसके अलावा राजसमंद,
ये किसके अंदर आ गए हैं, उदयपुर संभाग के अंतर्गत पांच जिले हैं, ठीक है। पाली, पाली के अंदर भी चार जिले हैं, पाली के अंदर कौन कौन से चार जिले हैं, पाली खुद, जालौर, सांचौर और सिरोही। पहले ये जो है जोधपुर संभाग में आते थे चारों ही, सांचौर तो अभी बनाया नया जिला, बाकी पाली, जालौर, सिरोही जोधपुर में आते थे, अभी किसमें चले गए हैं, पाली के अंदर चले गए हैं, पाली संभाग के अंतर्गत। कौन सा संभाग बच गया है हमारा, बस लास्ट में हाड़ौती, कोटा संभाग, एज इट इज है पहले की तरह ही, कोटा संभाग चार जिलों वाला, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, चार। तो इस तरीके से सारे संभाग है। ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे डालूंगी, तो आप चिंता मत कीजिएगा, पूरी की पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हम बात करें संभागों में, तो एक क्वेश्चन बनता है कि अंतरराज्यीय सीमा के सबसे निकटतम संभागीय मुख्यालय कौन सा है, तो अंतरराज्यीय सीमा के निकटतम, देखो बीकानेर थोड़ा अंदर है, भरतपुर संभाग जो है अंतरराज्यीय सीमा के निकटतम संभाग है, भरतपुर संभाग, ठीक है, सबसे निकट पड़ता है अंतरराज्यीय सीमा के। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला विभाग संभाग कौन सा है, तो वो भी भरतपुर है, भरतपुर तीन राज्यों से अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, कैसे, डीग जो है इसका जो जिला है डीग, वो किस किस से सीमा बना रहा है, डीग जिला बना रहा है हरियाणा और उत्तर प्रदेश से। इसके अलावा डीग, भरतपुर, धौलपुर किससे बना रहे हैं सीमा, उत्तर प्रदेश से, और नीचे जो है धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर किससे बना रहे हैं, मध्य प्रदेश से, यानी तीन राज्यों हरियाणा, यूपी, एमपी से सीमा बनाता है भरतपुर संभाग। तो भरतपुर संभाग तीन राज्यों को टच करता है, अंतरराज्यीय सीमा के निकटतम संभाग है। और 2023 से पहले की बात करें तो ये नवीनतम संभाग था, सबसे छोटा संभाग था। इस तरह के क्वेश्चन जो है इस बार एग्जाम में संभागों से आने की उम्मीद है। अगर हम ज्यादातर संभागों की बात करें तो अजमेर संभाग जो है केंद्रीय संभाग है, और अजमेर संभाग जो है आठ संभागों की सीमा को टच करता है, कैसे, अगर हम देखें सीकर को टच करता है, बीकानेर को टच करता है, जोधपुर को टच करता है, पाली को टच करता है, इधर उदयपुर को टच करता है, यहाँ पे अगर हम बात करें जयपुर को टच करता है, ये अगर टच नहीं करता तो किसको टच नहीं करता, अजमेर संभाग, अजमेर संभाग जो है इसको टच नहीं करता है, ये पाली, पाली को भी टच कर रहे हैं, आठ संभागों को, ये आठ संभागों को से सीमा बनाता है। अगर आप देखेंगे मैप पे तो आप ढूंढ पाएंगे, अजमेर संभाग आठ अन्य संभागों से सीमा बनाता है। अगर हम बात करें उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग जो है पेपर को देख ही लेते हैं क्लियरली, अजमेर संभाग है ना, अजमेर संभाग में जिले हैं नागौर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, डीडवाना, कुचामन, शाहपुरा, ठीक है, कितने जिले हो गए, सात जिले हो गए। अब इधर ये सीमा बना रहा है जोधपुर से, ठीक है, इधर जिले की सीमा बना रहा है बीकानेर संभाग से, इधर बना रहा है सीकर संभाग से, इधर जयपुर संभाग से, फिर हम बात करें यहाँ टोंक भी लग रहा है तो कोटा संभाग से, फिर हम बात करें इधर ये ब्यावर केकड़ी उदयपुर संभाग से इसकी सीमा बन रही है, पाली संभाग से इसकी सीमा बन रही है। तो इसकी सीमा एक तो बांसवाड़ा संभाग से नहीं बन रही है, बांसवाड़ा संभाग से, और इसके अलावा हम बात करें इसकी सीमा नहीं बन रही है और कौन सा संभाग रह गया, अभी बिल्कुल मैं सो रहा है मेरे से, ठीक है, आठ संभागों से अजमेर की, खुद एक अजमेर खुद भी हो गया तो खुद से भी, खुद तो है, तो नौ अन्य संभागों से सीमा बन सकती थी, बांसवाड़ा संभाग को छोड़कर बाकी सभी संभागों से अजमेर की सीमा बनती है। पहले अगर हम बात करें अजमेर संभाग की सीमा अन्य सभी संभागों से, अन्य छह संभागों से बनती थी, लेकिन अब अजमेर की सीमा जो है बांसवाड़ा को छोड़कर बाकी सभी संभागों से अजमेर सीमा बनाता है, आठ अन्य संभागों से सीमा बनाता है। तो अजमेर संभाग हो गया, केंद्रीय संभाग है, और अब इसकी अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनती क्योंकि भीलवाड़ा इसका भाग नहीं है। तो ये अजमेर संभाग का क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा हम बात करें उदयपुर संभाग की, तो उदयपुर संभाग चार अन्य संभागों की सीमा बनाता है। उदयपुर में कौन कौन से जिले हैं, उदयपुर में जो जिले हैं एक बार इसको क्लीन कर देते हैं, उदयपुर संभाग की सीमा बनती है, देखो पाली संभाग से उदयपुर के जिले उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और सरगुंबा, उदयपुर की सीमा बन रही है बांसवाड़ा संभाग से, पाली संभाग से, इधर अजमेर संभाग से, और यहाँ पे कोटा संभाग से, इन चारों संभागों से जो है उदयपुर संभाग सीमा बनाता है। इसके अलावा हम बात करें बाकी जितने भी संभाग हैं वो ज्यादातर एक संभाग, तीन संभागों से सीमा बनाते हैं, बांसवाड़ा को छोड़कर बांसवाड़ा सिर्फ एक संभाग से सीमा बनाता है। तो ये सारा डेटा भी मैं लिख देती हूँ, आपको इस पीडीएफ के साथ मिल जाएगा। अजमेर संभाग
अजमेर संभाग सीमा बनाता है 8 संभागों से। अगर हम बात करें उदयपुर, उदयपुर संभाग बनाता है 4 संभागों से सीमा। अगर हम बात करें बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा संभाग सिर्फ 1 संभाग से सीमा बनाता है और अन्य जितने भी बचे 7 संभाग हैं वो 3 संभागों से सीमा बनाते हैं। अन्य संभाग जो है 3 संभागों से सीमा बनाते हैं। तो एक ये प्रश्न हो गया। अजमेर संभाग ध्यान रखिए कि स्टार बना देती हूँ, अजमेर संभाग अंतरराज्य सीमा नहीं बना। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें अगर इसमें कि कौन सा संभाग सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा बना रहा है, तो भरतपुर संभाग 3 राज्यों से सीमा बनाता है, हरियाणा यूपी। तो ऐसे प्रश्न भी यहां से आ सकते हैं। बाकी तो क्या है, जैसे जैसे और डेटा आता जाएगा इसमें हमें और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन फिलहाल की जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से अगर हम देखें ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास फिलहाल है। अगर हम देखें अंतर्राज्यीय सीमा के सबसे नजदीक संभाग हमने देख लिया है भरतपुर है, सबसे नजदीक का संभाग कौन सा हो गया भरतपुर, और सबसे दूर का संभाग है जोधपुर अंतर्राज्यीय सीमा में। अंतर्राज्यीय सीमा से लिख लेते हैं, सीमा से संभागीय मुख्यालय, संभागीय मुख्यालय निकटतम है जोधपुर, और दूरस्थ सबसे दूर, सॉरी उल्टा लिख दिया, निकटतम भरतपुर और दूरस्थ है जोधपुर। ये दूरस्थ संभाग है जोधपुर। हमें भी धीरे धीरे याद करते करते टाइम लगेगा, इसलिए जो है थोड़ा सा आपको इस वीडियो में लग रहा होगा कि थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप बन पा रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है। जाने इस पीडीएफ में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जोधपुर है और वो हम लिख ही चुके हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन संभागों से रिलेटेड है जो आपको इस वीडियो में मिल रही है। इससे ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन इस बार नए दिनों के हिसाब से एग्जाम में आने की उम्मीद नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ एक अगर डाउट्स रहे होंगे तो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इसको इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अभी मैं कम से कम एक दो वीडियो और बनाऊंगी, उस वीडियो में हम और जैसे नदियों वाले चैप्टर में कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे, और भी जो अगले चैप्टर है जहाँ पे थोड़े थोड़े चेंजेस हुए हैं उनकी चर्चा कर लेंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया गया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा के रखना, जिससे वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग जो आरएसपी दे रहे हैं उनका एग्जाम 1 अक्टूबर को ही है, और मुझे पता है आप लोगों को इस सब इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की जल्दी है और जरूरत भी है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।